26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन गुरुवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर में स्वतंत्र भारत 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारम्भ महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी एवं प्रमुख विभागाध्यक्षों तथा आमंत्रित विशिष्ट अतिथि वक्ता एवं पूर्व प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक राकेश त्रिपाठी एवं विशिष्ट वक्ता प्रख्यात शिक्षाविद एवं लेखक डॉक्टर अशोक जानवी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक डी के सिंह, प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, सतर्कता विभाग के अधिकारी, निरीक्षक एवं कर्मचारी तथा अन्य विभागों के रेल कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर सतर्कता विभाग की पत्रिका शुचि दर्पण का विमोचन भी महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे समाज की बड़ी समस्या है। हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए, पर हम सब यह दूसरों से ही चाहते हैं। इस संबंध में हम अपनी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। यदि स्वयं में हम सभी पारदर्शिता, नियमों तथा अच्छी बातों का पालन करें तो स्वर्ग भी यहीं पर आ जाएगा। हमें अधिक धन अथवा कृति की चाह में नहीं पड़ना चाहिए, यह अपने अच्छे कार्यों से स्वतः आ जाती है। यदि हमारा समाज इस सोच के साथ रहे तो हमें सतर्कता जागरूकता की जरूरत ही नहीं होगी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी को चाहिए कि जहां भी गलत हो रहा है उसे रोकें, पर ऐसा करने से पहले हमें खुद को सही रखना होगा। हम सभी समाज के एक अंग हैं। यदि हम सभी मिलकर बदलाव लाना चाहेंगे तभी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा। आमंत्रित विशिष्ट वक्ता एवं पूर्व प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक राकेश त्रिपाठी ने सतर्कता से आत्मनिर्भरता पर चर्चा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर का सामान्य रूप से मतलब यह है कि बिना परिश्रम के सुख साधन एवं सफलता अर्जित करना, जबकि आत्मनिर्भरता जहां समाप्त होती है वहीं से सत्यनिष्ठा भी समाप्त हो जाती है। सत्यनिष्ठा के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। प्रोफेसर अशोक जानवी ने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके उसे बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। भ्रष्ट कार्यों के प्रति उदासीनता भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। उदासीनता के बाद भ्रष्टाचार के प्रति स्वीकारता आ जाती है। हम गलत कार्यों का विरोध नहीं करते तो हम भी उसके भागी बन जाते हैं। केवल सामाजिक समर्थन से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। केवल कानून बनाकर हम इसे नहीं रोक सकते। सामाजिक शिक्षा से भी भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलती है। हम सभी को मिलकर भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे बढ़ना होगा। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक डी के सिंह ने कहा कि सतर्कता बुलेटिन सूचि दर्पण को पूर्वोत्तर रेलवे वेबसाइट एवं कई ग्रुपों में शेयर कर दिया गया है, जिससे अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। लोगों की ऐसी सोच है कि सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार दूर करने का, सजा देकर लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाए जाने का, भ्रष्टाचार नियंत्रित करने का एवं कार्यों में अवरोध खड़ा करने का कार्य करती है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का निवारण सिर्फ सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु सभी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य सतर्कता अधिकारी जेपी सिंह ने किया। आत्मनिर्भरता है। आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस सतर्कता सेमिनार में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वीके त्रिपाठी माननीय महाप्रबंधक पाठी जी का, उपस्थित अपर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे महोदय का, उपस्थित समस्त प्रमुख विभागाध्यक्ष का एवं उपस्थित अन्य समस्त गणमान्य अतिथियों का मैं भारत भूषण सतर्कता परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सतर्कता परिवार के मुखिया श्री डी के सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक महोदय से सादर अनुरोध करता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं प्रेम से, भेंट कर दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महाप्रबंधक महोदय से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए विनम्र अनुरोध करता हूँ। मेरा माननीय विशिष्ट वक्ता डॉक्टर श्री अशोक जानवी प्रसाद जी से एवं श्री राकेश त्रिपाठी
शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य करता है, धन संपदा देता है, ऐसे भी की वस्तु को मैं नमन करता हूँ। भ्रष्टाचार के दानों से भारत को मुक्त कराना है, आओ करें प्रतिज्ञा की अब भ्रष्टाचार मिटाना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। महाप्रबंधक महोदय, अपर महाप्रबंधक महोदय, उपस्थित मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक जानवी प्रसाद जी, श्री राकेश त्रिपाठी जी, सभी साथी अधिकारियों एवं उपस्थित कर्मचारी बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है, दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदय ने सूची दर्पण नामक सतर्कता संगठन की विजिलेंस बुलेटिन का विमोचन किया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस सतर्कता बुलेटिन को सतर्कता विभाग द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जैसा कि ये इन लोगों ने भी लिंक में दिया हुआ है, ऊपर ये न्यू दिख रहा है। तो जो सूची दर्पण है ये पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर भी अभी तुरंत ही इसको उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये हमारे पास में जो डिजिटल फॉर्म में है, इसको हम लोग विभिन्न ग्रुपों में अभी डाल देंगे हम लोग। तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके इसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा और इससे लोग लाभान्वित हो सकेंगे। सूची दर्पण में विभिन्न प्रकार के सतर्कता से संबंधित केस स्टडीज भी दिए गए हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग के जितने भी रेलवे के लोग हैं उनके लिए लाभप्रद साबित होगा। जो सतर्कता विभाग की पहल पर जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट विगत में जारी किए गए हैं उन्हें भी हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दिया है। जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट और इनिशिएटिव्स हैं ऊपर दिख रहा बीच और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज भी हैं। तो हम लोगों ने इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अपने जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसको काफ़ी हद तक अद्यतन कर दिया है। महोदय, मैं आज की जो सेमिनार है इसमें संक्षेप में जो विजिलेंस विभाग से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं और जो कमियां हैं उन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करने का कार्य विजिलेंस विभाग का है, किंतु मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार निवारण का कार्य सिर्फ सतर्कता विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपितु सभी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है। जो प्रोविजन दिए गए हैं तो उसमें वास्तविकता ये है कि बिना विभागाध्यक्ष की सहमति के सतर्कता विभाग अधिकारियों के विरुद्ध केस रजिस्टर ही नहीं करता है। सोच है जिसमें काफी अंतर सच्चाई भी है कि विजिलेंस विभाग जांच करने में अत्यधिक समय लगाता है।